जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए नमस्कार, केपीटी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। विधुना विधायक प्रत्याशी रिया के समर्थन में आए बीजेपी नेताओं ने सपा पर किए जमकर प्रहार। विधुना के द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय में भाजपा प्रत्याशी रिया शाह के समर्थन में शुक्रवार को आयोजित उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सार्वजनिक सभा में उप मुख्यमंत्री तो नहीं आए, लेकिन मौजूद भाजपा नेताओं ने विपक्षी सरकारों को खासकर सपा में हुई गुंडागर्दी की याद दिलाते हुए भाजपा को चुनाव में बहुमत देने का लोगों का आह्वान किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राज्यसभा की सांसद गीता शाक्य ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार में सार्वजन समाज के हित में कार्य किए जाने के साथ कानून का राज कायम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मस्तक भी ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित रखने, गरीबी बेरोजगारी मिटाने और किसानों की समृद्धि के लिए भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को भारी बहुमत से जिताकर मोदी व योगी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता LS ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में उन्होंने विधायक रहते हुए क्षेत्र के गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन तब बलात्कारियों गुंडों को बचाने के लिए 5 कालिदास मार्ग में पुलिस अधिकारियों के पास फोन आ जाते थे और गुंडे छोड़ने की पुलिस की मजबूरी बन जाती थी। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने पिता और चाचा का न हुआ वह किसका होगा। नेताजी के हुए अपमान पर मैंने नेताजी मुलायम सिंह यादव की आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन वह स्वर्णों की वकालत करते हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे। ऐसे में स्वर्णों को चाहिए कि वह विधुना की भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को एक एक वोट देकर हजारों से जीत दर्ज कराएं। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य ने कहा कि वह क्षेत्रों के लोगों की सेवा, सम्मान, स्वाभिमान की हिफाजत और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर चुनाव लड़ रही हैं और जीतने पर वह सभी के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगी। इस मौके पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर शरद राणा मुकुट सिंह, शाह के डॉक्टर घनश्याम सिंगर, अनिल गुप्ता, अभय सिंगर, अनिल शुक्ला, राजेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद अग्रहरी, राजेंद्र सिंह गौर, राजू नरेंद्र त्रिपाठी, लाल सिंह सेंगर, विशेश्वर दयाल तिवारी, अशोक दोहरे, सनी चौहान आदि भाजपा नेताओं ने भी संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को जिताने का लोगों का आह्वान किया। जनपद और रिया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नहीं हो सकते जो अपने बाबू